हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक यूनिक बिजनेस मॉडल वाले कंपनी के बारे में, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है दोस्तों आपको आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न कमाकर देने की। और कंपनी के अंदर जो बड़े अपडेट आए हैं, जैसे कि कंपनी को मेगा कॉन्ट्रैक्ट या हम कह सकते हैं ऑर्डर मिला है वीसा कंपनी से, जो कार्ड से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल पर वो इनके साथ एक बड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या डील कर चुकी है। आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी के यूज़र और क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, बड़े से बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट आपको दिखाई देंगे। एंड ट्रस्ट जो मार्केट में कंपनी ने कमाया है वो काफ़ी वैल्यूबल है। 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। मैं आपको कंपनी की तो जानकारी बताऊंगा, कंपनी के बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। कंपनी का नाम है, देखिए, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड। जो कंपनी अभी फिलहाल अपना यहाँ पर आईपीओ दोस्तों लेकर आई है मार्केट के अंदर, जिसके यहाँ पर हम सभी को ज़बरदस्त तरीके से एडवांटेज मिल सकते हैं। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है दोस्तों, यानी आईपीओ लेकर जो कंपनी आई है, वो यहाँ पर कितना बेनिफिशियल साबित हो रहा है निवेशक के लिए, वो भी यहाँ पर हमें कंपनी के अंदर के अपडेट देकर पता चलेगा। इस स्टॉक ने यहाँ पर आते ही अच्छे खासे रिटर्न कमाकर निवेशक को दिए भी है, बोलकर हम सभी को ऐसे नए और उभरते हुए बिजनेसेस को अपने रडार पर रखना चाहिए। तो देख लेते हैं जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड स्टॉक के या कंपनी के अंदर के एबिलिटी को। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के आईपीओ के बारे में यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कंपनी के बारे में और कंपनी के बिजनेस को समझना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2011 में। और दोस्तों इसका बिजनेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मैनेज कॉर्पोरेट बिजनेस एक्सपेंसेस। अभी देखिए, ये जो यहाँ पर अलग अलग हम इंडस्ट्री देखते हैं, इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि बिजनेस क्या है। कंपनी के जो क्लाइंट हैं, इंडिया के बहुत शानदार कंपनीज आपने यहाँ पर लगातार जो इंडिया में काम करने वाले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस रहने दो या सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज, ये इनके क्लाइंट हैं। और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो एक्सपेंसेस रहने दो, या यहाँ पर रिवॉर्ड या उनको यहाँ पर बेनिफिट की बात रहने दो, वेंडर के खर्चे रहने दो या अदर एक्सपेंसेस, जितने भी यहाँ पर कॉरपोरेट एरिया के एक्सपेंसेस है उनको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर और वेरियस टाइप के सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके क्लाइंट आप देखेंगे और यूज़र देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एंड दोस्तों, यहाँ पर ये कंपनी कौन से ऐसे कॉरपोरेट को वर्क करने के लिए या फील्ड में बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो देखिए, बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमजीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़। तो ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी हेल्प करती है। अभी क्या करती है आप देख सकते हैं, बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस जो होते हैं वेंडर से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी। अभी नेक्स्ट अगर देखेंगे, रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ के लिए जो होता है उनको यहाँ पर देने के बारे में। एंड नेक्स्ट लेवल पर देखेंगे, गिफ्ट कार्ड रहने दो या दूसरे यहाँ पर वगैरह जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं वो, इस तरीके से इसके पास के बिजनेसेस है। और आप प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है और किस तरीके से कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, अभी टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को कैसे मिल सकते हैं, क्या क्या उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये सब मैनेज करने का काम जैगल
प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड ये कंपनी करती है। अब इसके कस्टमर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस के जो क्लाइंट है दोस्तों, इसके अंदर टाटा स्टील, प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिट सिस्टम्स, यहाँ पर आइनॉक्स कंपनी, वाखड़ फार्मा जो कंपनी है वो, ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज, कुछ चुनिंदा नाम आपको बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए, जिससे आप यहाँ पर अच्छे खासे से जानकारी रखते हो। अब दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कंपनी के यहाँ पर हम कस्टमर्स की बात करें तो 2411 कस्टमर है। अभी आप बोलेंगे कस्टमर कौन से और यूज़र कौन से, तो देखिए दोस्तों जो कंपनीज यहाँ पर इनके क्लाइंट है वो यहाँ पर है 2411, और ये कंपनियों के अंदर के जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ या स्टाफ है वो है 2.2 मिलियन इनका यूज़र। तो आप समझ रहे हैं कि फ़ायदा कैसा है, एक तो कंपनी से मिलेगा सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और जो यूज़र है उससे भी कमाई होगी, यानी कि डबल पैसा कमाने की तैयारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास खुद के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो वो 250 है सिर्फ, एंड ऑफिसेस 6 ऑफिस है इनके, और नेटवर्क पार्टनर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2। अभी यहाँ पर और भी मैं बहुत से डिटेल्स बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पर देखने ज़रूर चाहिए। तो अभी जैसे कि स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने आज जो निवेशक को रिटर्न कमा कर दिया लाजवाब है, और वो यहाँ पर 10% से भी अच्छा रिटर्न है। देखिए थोड़ा आपको मैं चार्ट पैटर्न पर बताने की कोशिश करता हूँ कि एक दिन में 10% के ऊपर स्टॉक ने परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया, क्यों, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो आप यहाँ पर लिस्टिंग की डिटेल्स देखेंगे तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी, देखिए लगभग दोस्तों 158 रुपीज़ पर, और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पर आया है आप देख सकते हैं, 48% का रिटर्न निवेशक को स्टॉक ने कमा कर दिया लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग को कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सितंबर महीना 2023 की ही बात हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर कंपनी के अंदर न्यूज़ क्या आई है उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। जैगल प्रीपेड स्टॉक जंप ओवर द 14% ऑन साइनिंग डॉलर में, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रुपीस में या डॉलर में, 20 मिलियन डील यहाँ पर की है उन्होंने वीसा के साथ। अभी यहाँ पर वीसा कंपनी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर आपको नाम देखने को मिलता है, और बहुत से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये बिजनेसेस कंपनी करती है। तो ये जो डील है इंडियन रुपीज़ में आप देखेंगे तो 166 यहाँ पर करोड़ रुपीज़ की डील है, और इससे यहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस के जो स्टॉक के अंदर हमें हाई देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिली, तो इसके पीछे यहाँ पर ये बड़ी डील जो यहाँ पर वीसा वर्ल्ड वाइड टू इशू वेरियस फॉरेक्स को ब्रांड कार्ड्स के बारे में ये डील है, और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीसा विल पे द बोनस फॉर सपोर्टिंग लॉन्च ऑफ फॉरेक्स को ब्रांड कार्ड एंड विल अल्सो पे इंसेंटिव ऑन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन स्पेंडिंग कमिटमेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं ये बिजनेसेस जो है वो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, और ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है बोलकर तो उन्होंने, अभी देखिए ये जो वीसा कंपनी है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और वो भी कोई अपना पैसा इतना सारा वेस्ट नहीं करेंगे। उनको पता है जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड इसके अंदर एबिलिटी है बोलकर तो इसके ऊपर दाव खेला गया है। एंड दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2872 करोड़ का, पी रेशो देखेंगे तो 126 का, और दोस्तों इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आल्सो काफ़ी हाई लेवल के हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 33 का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 101 का। एंड दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के कर्जे की बात करें, थोड़ा कर्जा यहाँ पर दिखाई देता है, मैं आपको कर्जे के बारे में बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा शेयर होल्डिंग को भी समझते हैं। ये शेयर होल्डिंग है कंपनी के प्रमोटर के पास 44%, FIIs के पास देखिए
12%, DIS के पास है 10% और पब्लिक के पास 33%। अभी DIS के अंदर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अंदर आप देखिए ICICI जो यहाँ पर फंड है उन्होंने यहाँ पर निवेश किया है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड उन्होंने और LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड उन्होंने भी निवेश किया है। तो बड़े निवेशक ने भी दाव अच्छा खासा यहाँ पर जैगल प्रीपेड ओशियन इस कंपनी पर खेला है। और यहाँ पर लेटेस्ट बैलेंस शीट के डाटे में यहाँ पर हम देखें तो कंपनी का जो कर्जा देखिए इस साल थोड़ा डबल ही हुआ है, 70 करोड़ से डायरेक्ट 141 करोड़ कंपनी ने कर्जा यहाँ पर किया है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है 300 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाली है आने वाले समय के अंदर। अपने रडार पर रखिए, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। प्रॉफिट में बहुत अच्छे से ग्रोथ इसने दिखाई है। अभी आने वाला समय और कंपनी के लिए कितना अच्छा रहता है वो देखना पड़ेगा हमें। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए कि क्या क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या क्या एबिलिटीज़ है, सब कुछ मैंने बताया। आप ज़रूर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।